रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहती हैं। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रही है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और सभी पुराणों की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास के योगदान को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ ही भक्त भगवान विष्णु की आराधना करती हैं और सत्यनारायण कथा का पाठ या श्रवण करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा 23 जुलाई यानी शुक्रवार को सुबह 10:43 से शुरू हो जाएगी, जो कि 24 जुलाई की सुबह 8:06 तक रहेगी। उदयातिथि में पूर्णिमा मनाए जाने के कारण यह 24 जुलाई यानी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस बार की पूर्णिमा तिथि पर कई सारे अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस बार की गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सर्वासिद्धि योग और प्रीति नामक योग का शुभ संयोग बन रहा है। बता दें कि 24 जुलाई को सुबह 6:12 से प्रीत योग लगेगा, जो कि 25 जुलाई की सुबह 3:16 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 12:40 से अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 5:40 तक सर्वासिद्धि योग भी रहेगा। ये दोनों ही योग शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि यह जो पूर्णिमा तिथि है वह शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिवारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जा रहा है। और दोस्तों, शनिवार का दिन गुरु पूर्णिमा का पड़ना और सर्वासिद्धि योग का बनना, यह सारी संयोग एक बड़ा महासंयोग बना रही हैं, जो कि कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी रहने वाली हैं। इन राशि वाले लोगों के ऊपर अब धन की देवी माता लक्ष्मी जी और कलयुग के महाराज भगवान शनि देव की असीम कृपा रहने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं राशियों के बारे में बताएंगे, इसीलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस दौरान माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस राशि वाले लोगों को लाभ होने वाला है। जी हाँ, बता दें कि इस दौरान आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी चल रही है वह अब ख़त्म होगी। जी हाँ, आपके पारिवारिक जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। इस दौरान पैसे कमाने के लिए आपको कई सारे बेहतरीन मौके मिलेंगे, लेकिन दोस्तों उम्मीद के मुताबिक आपको मुनाफा भी होगा। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर ग्रहों की चाल बताती है कि इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति मिलने की अपार संभावना है। हालांकि अपनी जिम्मेदारियों को
पूरा करने के लिए आपको इस दौरान कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आपको माता पिता का इस दौरान पूर्ण सहयोग मिलेगा और साथ ही पैतृक कारोबार में वृद्धि भी होगी। धन लाभ के आपके लिए योग बन रही है। नौकरी में तरक्की के भी योग आपके लिए बन रही हैं। इस दौरान आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान इस राशि के लोगों को आय के लिए नए स्रोत मिलेंगे। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो अप्रत्याशित मुनाफा आपको मिलने वाला है। इस दौरान जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आपको कई सारे शानदार मौके मिलेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी सैलरी में इस दौरान मनचाही वृद्धि होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के लोगों का अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। इस राशि के लोगों को नौकरी में अब सफलता मिलेगी। घर के बड़े लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। काफी दिनों से रुके हुए काम आपके जल्द ही पूरे होंगे। आपका मन इस दौरान प्रसन्न रहेगा और आपके सभी काम पूरे होंगे। तो आपको बता दें कि अगली जो राशि है वह है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि तुला राशि वाले लोगों की कुंडली में अब धन लाभ का महायोग बन रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति इस अवधि में अच्छी रहेगी। छोटे कारोबार से संबंधित यात्रा से बड़े लाभ आपको संभव है। वित्तीय मामले में जीवन साथी का आपको सहयोग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अनावश्यक खर्चों से कुछ आर्थिक दिक्कतें आपको आ सकती हैं, इसलिए दोस्तों इस दौरान फालतू के खर्चों पर आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। इस समय की बचत आपको भविष्य में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, इस राशि के लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा। आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे कि आपको दुआ मिलेगी और आप कामयाब भी होंगे। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों के कारोबार में जीवन साथी का इन्हें सहयोग प्राप्त होगा और आपको अपार मुनाफा होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो बेहद ही खूबसूरत परिणाम आपको मिलने वाली हैं। अगर आप सोच विचार कर निवेश करती हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों को अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। किसी दोस्त से मिलने का भी योग बन रहा है। इस दौरान आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय किसी को आप पैसे उधार बिल्कुल भी ना दें। अगर आप काफ़ी समय से कोई काम करने की सोच रही हैं तो अब वह काम आपका पूरा होगा। तो बता दें कि अगली जो राशि है वह है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों के जीवन में अब धन प्राप्ति के योग बन रही हैं। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। संतान की सफलता से आपका मन हर्षित रहेगा। राजनीति से संबंधित जातक इस दौरान लाभान्वित होंगे। धन का आगमन भी होगा। शिक्षा तथा प्रतियोगिता में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। कोई नया कार्य भी आपका बनने वाला है। कोई समारोह में आपको इस दौरान सम्मान मिलने की पूर्ण संभावना है। इस दौरान धन की अपार आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है मकर राशि। बताना चाहेंगे कि मकर राशि वाले लोगों का रुका हुआ पैसा अब जल्द वापस मिलेगा। किसी से किसी भी तरह का कोई विवाद आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। किसी से भी ज़्यादा आप लगाव ना रखें। धार्मिक यात्रा एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की आपकी प्राप्ति होगी। कुछ नया विशेष तौर पर गृह कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धन का आगमन होगा। सरकारी कार्य आपके बनेंगे। किसी नए व्यापार की योजना भी बनेगी। यश तथा प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि इस शुभ संयोग से कुंभ राशि वाले लोगों को अचानक से लाभ होने वाला है।
कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग बन रही हैं। घर परिवार में सुख शांति आपकी बनी रहेगी, कोई बिगड़ा कार्य भी आपका बनेगा। संतान की सफलता से आपका मन हर्षित रहेगा। किसी बड़े कार्यक्रम में सम्मानित आप हो सकते हैं। शिक्षा तथा प्रतियोगिता में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। राजनीतिज्ञों के लिए भी ये समय बहुत शुभ रहेगा। किसी बड़े समारोह में आप पुरस्कृत हो सकते हैं। संतान की सफलता से आपका मन हर्षित रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।